गवादर गोल्फ सिटी और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के जेर एहतमाम लंदन के इलाके बार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवादर में जारी तरक्याती कामों और सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीलात फराहम की गई। इस मौके पर मुकर्रिन का कहना था कि सीपेक और गवादर पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। मजीद जानिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन की रिपोर्ट में। ग्वादर गोल्फ सिटी और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ने ईस्ट लंदन के इलाके बार्किंग में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डायरेक्टर ओवरसीज ग्वादर गोल्फ सिटी नवीद चौहान, चीफ एग्जीक्यूटिव फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राणा जाहिद अली, हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स शेब ढल्लू और डायरेक्टर सेल्स आसिफ खान ने ग्वादर गोल्फ सिटी से मुतल्लक तफसीली मालूमात फराहम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत का कहना था कि 13 और 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ग्वादर गोल्फ सिटी लॉन्चिंग तकरीब लंदन में पार्क लेन के मकामी होटल में मुनक्कद की जाएगी, जिसमें ग्वादर गोल्फ सिटी में कमर्शियल और रहायशी प्लाटों की फरोख के साथ साथ ग्वादर गोल्फ सिटी में तेजी से जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर ओवरसीज ग्वादर गोल्फ सिटी नवीद चौहान का कहना था कि ग्वादर मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ग्वादर गोल्फ सिटी में आज की जाने वाली सरमायाकारी मुस्तकबिल में मुनाफा बख्श साबित होगी। नवीद चौधरी ने आगाह किया कि ग्वादर गोल्फ सिटी में तरक्याती काम तेजी से जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राणा जाहिद अली खान इस मौके पर कहा कि ग्वादर गोल्फ सिटी कराची से 5 घंटे की मुसाफत पर है, जिसमें रोड सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ग्वादर गोल्फ सिटी का ओवरसीज ब्लॉक लेके आए। ग्वादर गोल्फ सिटी जो है वो मलिक बिलाल साहब का, जो कि ग्रैंडसन है मलिक रियाज साहब के, उनका प्रोजेक्ट है। बहुत तरक्याती काम बड़ी तेजी से जारी है। उसमें ग्वादर गोल्फ सिटी की जो सबसे खूबसूरत बात है, उसका एक्सपो सेंटर है, जो पाकिस्तान का वाहिद एक्सपो सेंटर है, प्राइवेट एक्सपो सेंटर है, जो कि ग्वादर गोल्फ सिटी की विसिनिटी में वाक़ होगा। उसके अलावा ग्वादर गोल्फ सिटी में एक गोल्फ कोर्स है, 18 होल गोल्फ कोर्स है। ग्वादर के बारे में आप सब लोग वाकिफ हैं, ग्वादर इज बिकमिंग द न्यू एशियन टाइगर। ग्वादर का एयरपोर्ट खान साहब ने इफ्ताह कर दिया लास्ट वीक, विच इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी दैट ग्वादर विल बी पोटेंशियली अ वेरी बिजी टूरिस्ट प्लेस। हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स शेब ढल्लू ने इस मौके पर कहा कि वजीर आजम की जानब से हाल ही में ग्वादर एयरपोर्ट की इमारत का संग बुनियाद रखा गया है और ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस मौके पर दीगर शुरका ने भी कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। Director for First Investments launching Gwadar Gulf City, which is part of the Berrier Group. We're proud to launch this project at the JW Marriott Grosvenor House Hotel on the 30th and 14th of April. And basically, we're going to be launching this for our UK investors. So now is the time to invest in Gwadar, as there's groundbreaking development happening. And we have good news that we'll be launching in the Europe market and also US as well. So watch this space. Whoever wants to invest in Gwadar, I think we all know what Gwadar is going to be. Not now, maybe in 5 years' time. Whoever wants to invest in Gwadar, they've done their homework. If you've done your homework, now you need to choose a developer. And on the ground, there's no one better than BSM. He's backed by Malik Riaz, he's his grandson. So you know you're going to get a delivery of the plot. Actually, they're almost 50% of the way through all the civil works. So they're offering these plots at a very good rate, I think. If you have a 5-year investment and you want to make good returns and good yields, then you go through with BSM developers. One, they'll deliver. Two, you're getting at a good price. And three, you have the security that they are based in Pakistan. The best thing about this project is the delivery. और इसकी लोकेशन जो है इस वक्त बन रही है, इट इज सिटिंग ऑन द मेन कोस्टल हाईवे जो N10 है, और दूसरी साइड से जो गेट 2 है वो जिन्ना एवेन्यू 2 जो अप्रूव हो चुका है उसको टच कर रहा है। सो कनेक्टिविटी टू द सेंटर पॉइंट 0 इज हाफ एन आवर। 13 और 14 अप्रैल को लंदन पार्क लेन के मकामी होटल में ग्वादर गोल्फ सिटी की लॉन्चिंग तकरीब में खरीदारों के नामों की कुलंदाजी भी की जाएगी, जिसमें जीतने वाले खुशनसीबों को उम्रे के टिकट दिए जाएंगे।